नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनीशा। खबरों की शुरुआत करेंगे खास खबर से। आगरा ग्वालियर मार्ग पर रात्रि 10 बजे ट्रक और डंपर में भिड़ंत होने की वजह से कई घंटे तक आवागमन ठप रहा। वहीं हादसे की चपेट में आने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना मलपुरा क्षेत्र में ग्वालियर रोड स्थित गांव बाद पर मध्य रात्रि को डंपर और ट्रक की आपसी भिड़ंत से ट्रक चालक हादसे की चपेट में आने से ट्रक में फंस गया। मौके पर पहुंची थाना मलपुरा की ककुआ चौकी पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से चालक को बाहर निकालकर चालक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। वही देखते देखते यातायात मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। चौकी प्रभारी अमन कुमार ने मैं पुलिस टीम के साथ कई घंटों की मरम्मत के बाद दोनों वाहनों को JCV की सहायता से मार्ग के किनारे पर किया और यातायात को सुचारू कराया। जी, मेरा नाम संदीप सिंह चार है। आज क्या घटना घटित हुई है? जी, डंपर और ट्रक में आपसी भिड़ंत हो गई है। कहाँ पे हुई है? ये बाद गांव के चौराहे पे हुई है। कैसे हुई? जी, करीब 10 बजे जब ट्रक जो है रॉन्ग साइड पे आ रहा था और इसने ओवरटेक किया उसको, ट्रक को डंपर ने, और एक्सीडेंट हो गया। किसी की हालत कोई गंभीर चोट वोट? ड्राइवर की हालत थोड़ी गंभीर बताई है, पर वहाँ पे लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने मिलकर उसको निकाला और अब हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। और क्या स्थिति बनी हुई है जाम वगैरह की? जाम काफ़ी देर से लगा हुआ है, ये करीब 10 बजे हुआ है और 12 बज रहे, अभी जाम क्लियर नहीं हुआ है, पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ है क्लियर करने के लिए। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा देहात से जाकिर हुसैन की रिपोर्ट।